भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पंजाब में सुरक्षा साथे करेली चेड़ाना विरोध में नानपुरा खाते कांग्रेस कार्यालय पहुंची सोनिया गांधी और राहुल गांधी पुत्रा दहन कर्या था। ते समय भाजपीए कांग्रेस कार्यालय ने पण पुलिस की हाजरी में आंख चापनो प्रयास कर्यो होवाना आक्षेपों कांग्रेसे आजे कर्या छे। सूरत पुलिस कमिश्नर आवेदन पत्र आप्यो हतो। सूरत शहर जिला कांग्रेस समिति द्वारा सूरत शहर पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर सहित गुजरात मुख्यमंत्री गृह राज्य मंत्री गुजरात विपक्षी नेताओं संबोधी लखेला आवेदन पत्र में जणाव्युं हतुं के गत 6 जान्युआरी रोज सूरत शहर जिला कांग्रेस समिति मकाईपुल खाते मुख्य कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पंजाब में वडाप्रधान काफलाओं ने देखाव करे रोकवा कांग्रेस पर दोषनो टोपलो ढोळी कांग्रेस कार्यालय पहुंची सोनिया गांधी और राहुल गांधी पुत्रा दहन करवानी साथे पुलिस की हाजरी में कांग्रेस कार्यालय ने पण आग चापनो प्रयास कर्यो हतो। जेथी आवी गंभीर घटना लईने वीडियो में देखाता भाजपा कार्यकरो सामे तात्कालिक पगला लेवानी मांग कराई छे। तो साथ त्यां हाजर पुलिस कर्मचारी सामे पण पगला लेवा खास जणाव्युं हतुं। हरीशभाई सूर्यवंशी, सूरत शहर कांग्रेस उपप्रमुख। आज पुलिस कमिश्नर पास रजूआत करने कारण मुख्य कारण हेतु बनो है कि पंजाब अंदर प्रधानमंत्री प्रदर्शन और रेली करने पढ़ाई रहा था पर संजोग वसात 70,000 माणसों ने टार्गेट हो प्रमाण खुर्शी पर मुकमेल थी परंतु आयोजन निष्फल जाए एटले प्रधानमंत्री साहेबे एक स्थान उभो करी अने हवामान कारण आगे धरी हेलिकॉप्टर मार्फते त्यां पहोंचवाना था पण बाय रोडे आव्या अने बाय रोडे आवाथी पण पंजाबनी जे सरकार छे त्यानुं गृह मंत्रालय छे अने एनी सुरक्षा छे तो तेओने पूरेपूरी सुरक्षा अपावो कोईपण जातनी कथाश करी नथी पण छतां पण भारतीय जनता पार्टीना नेताओं तेना गृह खाताना नेताओए आखा समग्र देशना अंदर रोड पर गुंडाओने उटाड़ी पड्या छे अने गई काले जे घटना घटी छे तेमां सूरतनी अंदर चौक बजार खाते अमारुं कांग्रेस कार्यालय हतुं ते कांग्रेस कार्यालयने पण सरगाई देवा माटे पोलीसनी हाजरीनी अंदर प्रयास कर्यो छे अने राहुल गांधी अने सोनिया गांधीनुं पुतळा दहन पोलीसनी हाजरीमां कर्युं छे। सो आज पोलीस अधिकारी जे छे तो ते आ बधुं गुंडागिरी पर उतरी है आ समझ में नहीं आत कारण के कायदो व्यवस्था बधा माटे होय त्यारे रक्षक जारे भक्षक बनी जातो होय तो आ केवी रीते चाली शकाय आ सरकार ने इशारे आ गुंडागिरी पोलीस पण जो करती होय तो केवी रीते व्याजबी गणाय तेना माटे गई काले अमारा कांग्रेस पक्ष तरफथी अठवा पोलीस तरफ पीआई ने आवेदन अने पत्र फरियाद अरजी आपी देना 24 कलाक पण पूरा थई गया छतां पण कोई पण जातना गुनेगारो पर एक्शन लेवामां नथी आवी तेथी अमे पोलीस कमिश्नर साहेबने आवेदन पत्र आप जणावे छे के तमे तात्कालिक आ लोकोने 24 कलाक थई गया छतां तेओनी धरपकड़ थई नथी अने जे पोलीस कर्मीओ जे आ कायदो ने व्यवस्था हाथमां लीधी छे तो तेओने तात्कालिक असरथी सस्पेन्ड करे जो टेम ना करवामां आवशे तो भारत देशना उच्च न्यायालयमां जईने अमे तेओ विरोध फरियाद दाखल करीशुं अने अमे तेओने सस्पेन्ड कराया वगर रहीशुं नहीं। अत्यारे कोरोनानी महामारी चाले छे सूरत अंदर 144મી કલમ લાગુ છે છતાં પણ પોલીસે આ બાબત આ કામ ચાલવા દીધું અને કોરોનાની મહામારી ફેલાવવા માટે ભાજપ હંમેશા માટે આ કાર્ય કરે છે અને લોકોના જીવ જોખમમાં નાખે છે તેવું અમારો સ્પષ્ટ શબ્દમાં અમારો સખત વિરોધ છે। વધુમાં કોંગ્રેસી આવેદન પત્રમાં એવું પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ભાજપના ગુંડાઓએ પોલીસની હાજરીમાં જ કરેલી હલકી પ્રસિદ્ધિ મેળવવાની ઘટના લઈને તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે નહીં તો આ મામલે ઉચ્ચ ન્યાયાલયના દરવાજા ખખડાવશે તે ચીમકી પણ આપી હતી। અઝર કુરશી સાથે પ્રકાશવાળા।